शेर का मुंह नहीं होता। इसमें कहते हैं जो इसके बीज में, जो यहाँ पे एक बीज होता है इसका, वो खाते हैं ना तो बेटा होता है, पानी मैंने वाला होता खाया था पर सृष्टि हो गई। है। अब की बार खाना ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रजवी व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और ये इंसान देख रहे हो आप पीछे बैठा हुआ है, याद बहुत पंगे ले रही है मुझसे। याद आ रहा है ना, कुछ बच के रहना मुझसे। तो फाइनली मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका। ओए देखो 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 देखो, बोतल टच कर रही है ठंडी ठंडी। फाइनली मेरा व्लॉग अपलोड हो गया है। सिस्टर स्कूल गई है। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी मुझे मैसेज कर, जो कमेंट करते हैं यहाँ पर, आप मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप थोड़ा ये लिख रहे हो ना कि आप मेरे मैसेज का रिप्लाई करो कि आप वेट कर रहे हो, तो अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दिया करो, जिससे मुझे पता चले। मैं कैसे पहचानूंगा किसको मुझे क्या मैसेज करना है, या किससे मेरी क्या बात चल रही है? आप कौन हो जो यहाँ पे कमेंट कर रहे हो? पता लगे इंस्टाग्राम की आईडी अलग होती है और जीमेल का अकाउंट अलग होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप लोग जो भी यहाँ पे कमेंट करते हैं कि मेरे मैसेज का आंसर कर दो प्लीज़, तो आप वो लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडी जरूर शेयर कर दिया करो, जिससे कि मैं डायरेक्ट ओपन करके उनको मैसेज कर दूँ। सिंपल सी बात है। अभी मुझे एक दूसरी पेंटिंग भी स्टार्ट करनी है, वो किसी की है, वो डॉग की पेंटिंग है। अभी फ़िलहाल मैं नहाऊंगा, फिर इसके बाद अपना काम शुरू कर दूँ। हाँ हाँ नहाऊंगा, क्यों, क्या ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है? पक्का पक्का ज़रूरत नहीं है? ओ आप बताओ, अभी जरूरत नहीं है? अभी जरूरत नहीं है? बदबू मार रही है तो। ओ बदबू। आप अगर आप चिपको, आप चिपकूंगा। पहले पहली दर्द हो रहा है। ही दर्द हो रहा है, अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ। ओ ओ छोड़ दिया देखो मैंने तो। गाइस देखो, यहाँ पे नारियल छीला जा रहा है। कितना रुपया लगेगा नारियल छीलने का? कितने लेते हो आप? कितने दोगे आप? हमने तो आपको जिंदगी दे दी। हमने ले ली बस। ले ली, वो तो ले ही रखी है। ये चीर चीर के सारा गुस्सा यहाँ निकाला जा रहा है मेरा। ये इंसान कमबख्त मुझे टाइम नहीं देता। ये सारा, ये और तेज, और तेज, मोड़ मोड़ के सारा गुस्सा यही निकाला जा रहा है। ये फाइनली एक नारियल छिल चुका है। आपको पता है इस नारियल, ये शेर का मुंह होता है। शेर का मुंह होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ही बोल दिया, बिल्कुल शेर का मुंह। शेर का मुंह नहीं होता। इसमें कहते हैं जो इसके बीज में, जो यहाँ पे एक बीज होता है इसका, वो खाते हैं ना तो बेटा होता है, ऐसा बोलते हैं। पर वो हरे नारियल में, वैसे नारियल में होता है जो पानी मैंने वाला खाया होता था पर सृष्टि हो गई। है। अब की बार खाना ठीक है। अब तो ये सूखा है, वैसे सूख गया होगा, पानी नहीं सूख होगा, गया पानी। पानी जब नहीं है। पानी वाला लेके आए थे, छाट के लेके आए थे वहां से। कोई बात नहीं, पर यहाँ पर मत फोड़ना भाई, टाइल है ये। मैं क्या ऐसे फोड़ूंगी, मुहूर्त कर रही हूँ घर का। मैं तो नहीं बोला मुहूर्त कर रहे हो आप। तो ऐसे बोल रहे हो, टाइल है ये, मैं ऐसे फोड़ती हूँ। अच्छा ऐसे फोड़ते हो? अब निकल जाता है। हाँ साबुत निकलता है। जादू? रहने दो ना। हेलो, रहने दिया। ये दो नारियल छिल जाने चाहिए जल्दी, ठीक है? 2 महीने से तो छिले ही थे। हाँ तो मैं नहा के आऊँ तब तक नारियल छिल देना। ठोक पीट के ये सूखा नारियल है अंदर, ये देखो। तो सूख ही गई, वो इतना टाइम से रखा रखा। हाँ लेकिन सूखा हुआ भी तो, इसके भी तो फायदे होते हैं, सूखे हुए नारियल के भी तो। वाह साबुत नारियल, ये हो गया सूखा गोला। मुझे से लग रहा है खाने में बढ़िया। तो गाइज अभी सिस्टी सो रही है और हिमलता भी सो रही है। अभी मुझे सिस्टी के लिए एक प्रॉप रेडी करना है, जो उसकी कल स्टोरी कंपटीशन है, उसके लिए चलो मैं प्रॉप रेडी करता हूँ। तो गाइज फाइनली मैंने ये 4 शीट कट कर लिए व्हाइट पेपर की, वैसे काम में स्टार्ट करता हूँ। तो गाइज ये है सिस्टी का लेसन, जिसकी मुझे पिक्चर्स बनानी है। 1 2 3 4।
फाइनली गाइज ये पिक्चर्स रेडी हो गई है 1, 2, 3, 4 तो वन का है दिस वन, सेकंड का है ये वाली पिक्चर और थर्ड है ये वाली पिक्चर, फोर्थ है हमारी ये वाली पिक्चर। तो ये सिस्टी के प्रॉप रेडी हो गई है, अब कल स्टोरी के लिए तैयारी कर लेना, सॉरी पोयम तैयार कर लेना अपनी। और ये है मेरे स्केल लगाने की, और इसमें देखोगे सारे स्केल लगे हुए हैं, ये छोटे वाला, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सारे साइज लगे हुए हैं टोटली। एक कील लगा के उसी के ऊपर सारे लगा दिए, और सिस्टी के ये फ्लैश कार्ड्स पे ब्लैक बॉर्डर लगा दिए। ये लो सिस्टी, क्या फंस गया? जो वो पेपर होता है ना, मैं बार बार ऐसे चबाती रहती हूँ ऐसे, वो फंस गया। पेपर ही मिला चबाने के लिए? वो कटा हुआ था, मुझे लगा वो चूहे ने काटा हुआ है, मुझे क्या पता है हमारे घर में चूहिया है काटने के लिए। हाँ ये टूथपिक से निकलेगा गाइस को नहीं पता, वो नहीं देखते हर्षिता को, जानते ही नहीं है, तो कैसे गाइस को पता होगा कौन है हर्षिता? हर्षिता जब हमारे घर आएगी ना दिखा देना कौन है हर्षिता, ठीक है? चुपचाप खाना खाओ, पहले खाना खाओ। तो गाइस अभी हो रहे हैं 8:15 और अभी हम डिनर कर रहे हैं, और इसके बाद हमें जाना है घर पे, मैं, रितु और अमृता और सिस्टी। तो आज हम इतनी रात को जाएंगे, चलने तो भी चलेगी, कैब में तो जाना है, चलने चल। फिर वो और चिढ़ जाएगी, बट ये कि हां चार तो आ ही जाएंगे, चल ले फिर तू भी चल ले। क्या हुआ, क्या हुआ? उल्टा देख के हम पहचान लेंगे, हम आपकी गाड़ी वहीं पर है, मेरे साथ में एक टेंशन है। हां रो काटने के लिए नहीं क्या मैंने, हेलो किसको हेलो कर रहा है, क्या हो गया तेरे को हेलो कर रहा है? किटू हाई फाई, किटू हाई फाई, ओए हो कोको करता है हाई फाई, तो वो बचपन से सिखाना चाहिए था हाई फाई करो सब। किट्टू की मसाज कर रहा हूँ, किट्टू की मसाज नहीं काट लेगी, किट्टू की मसाज है। पहले मैं लेट जाऊं फिर करूं मसाज, ले अब लेट के यार किट्टू की मसाज, ले भूरू की भी मसाज कर देता हूं, ले भूरू की मैं मसाज करती हूं, आप किट्टू की मसाज करो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं घर, यानी कि हमारे स्टूडियो। तो थोड़े देर के लिए गए थे बस, घर पर गए थे बस, कुछ काम था, मम्मी को अचानक से मतलब ऐसे मिस किया, तो सारे लोग, हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो ऐसे ही चलते हैं मम्मी के पास, सारे बस मिलके और आ गए। तो फाइनली अब 12:30 होने वाले हैं, हम गए थे खाना खाते, हम तकरीबन निकल गए थे 8:30 करीब हम निकल गए थे, सोचो ये टाइम हो रहा है, तो मम्मी से मिलके अच्छी तरह से बात बात करके फिर हम लोग आए। ठीक है गाइस फिलहाल इस व्लॉग का मैं एंड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे व्लॉग्स को, क्योंकि अभी पता है अभी बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स नहीं आ रहे, बस थोड़ा बहुत रूटीन है, जल्दी बस हम कहीं आउटिंग करेंगे और घूमने फिरने के भी व्लॉग्स बनाएंगे अच्छे अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ मैं प्लान कर रहा हूँ। और बस मैं एक बंदे के फिराक में हूँ, मुझे अपनी टीम बनानी है जल्दी से, बस मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ, और बस जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे ये अपने मैंने इनको फिनिश कर दिया है, अभी मुझे 2 पेंटिंग और है वो फिनिश करनी है, देन उसके बाद प्रोफेशनली तो जो चीज़ मैं प्लान कर रहा हूँ वो मैं आगे अमल करूँगा और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगा। तो ओके बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। और हाँ प्लीज़ मैंने पहले भी वही ये बात बोली थी, जो कोई भी मुझे कमेंट करता है कि यहाँ पर कि मुझे आप रिप्लाई नहीं दे रहे या आप मेरे मैसेज का आंसर करो, प्लीज़ उसके साथ अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन कर दो कि आपकी आईडी क्या है, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये आपकी आईडी है और इसको मुझे मैसेज करना है, इससे मुझे बात करनी है। तो बस थोड़ा सा आप लोगों को इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इतनी सी हम्बल रिक्वेस्ट, वरना दुनिया को ये लगेगा कि मैं लोगों के रिप्लाई नहीं करता। भाई मेरे लिए मेरे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने हज़ारों लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, पर हाँ मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबको रिप्लाई दूँ। तो
इसलिए मैं और बंदे को भी बुला रहा हूँ। बाहर हवा हवा चल रही है तो ओके बाय बाय। और ये देखो बाय बाय, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।